हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? एज दैट दिस इज दानिश हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डीफार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोस्टिक्स के चैप्टर 11 का, दैट इज हर्बल कॉस्मेटिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको जो चैप्टर 10 था इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशंस, इस पूरे का पूरे चैप्टर को हमने वन शॉट वीडियो में कवर अप कर लिया था। एक लेक्चर में हमने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर 11 हर्बल कॉस्मेटिक्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको मेनली क्या क्या पढ़ना है, सोर्सेज, केमिकल कॉन्सेंट्रेट्स, कमर्शियल प्रिपरेशन, थेरेपेटिक एंड कॉस्मेटिक पढ़ने हैं आपको। इन पर्टिकुलर ड्रग्स की कौन कौन से ड्रग्स हैं, एलोवेरा जेल, एनमल्ड ऑयल, रोजमेरी ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, लेवेंडर ऑयल, ऑलिव ऑयल, ठीक है, ये जितने भी ड्रग्स हैं आपको इन सब की ये सब चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट है जिसमें हम एलोवेरा जेल, एनमल्ड ऑयल को कवरअप करेंगे। इसी तरीके से दो लेक्चर इसके और अपलोड होंगे। सेकेंड लेक्चर में हम लेवेंडर ऑयल एंड ऑलिव ऑयल को कवरअप करेंगे एंड थर्ड लेक्चर में हम रोजमेरी ऑयल एंड सैंडलवुड ऑयल को कवरअप कर देंगे, ओके। तो आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट है इसलिए हम थोड़ा सारा इसका इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं कि हर्बल कॉस्मेटिक्स होते क्या हैं। द वर्ड कॉस्मेटिक वाज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कॉस्मेटिकॉस मीनिंग हैविंग द पावर अरेंज स्किन इन डेकोरेटिंग, ठीक है। जो वर्ड कॉस्मेटिक है वो लिया गया है ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से लिया गया है कॉस्मेटिकॉस, जिसका मतलब है हैविंग द पावर अरेंज स्किन डेकोरेटिंग, यानी कि क्षमता होना अरेंज करना या जो है स्किल ऐसी कला होना या कोई हुनर होना डेकोरेटिंग में, ठीक है, किसी चीज़ को डेकोरेट करने के लिए उसका हम क्या बोलते हैं, कॉस्मेटिक बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार कॉस्मेटिक्स आर डिफाइंड एज आर्टिकल्स इंटेंडेड टू बी रब, पोर्ड, स्प्रिंकल्ड और स्प्रेड ऑन, इंट्रोड्यूस इन टू और अदरवाइज अप्लाइड टू द ह्यूमन बॉडी और एनी पार्ट, देयर फॉर क्लीनिंग, ब्यूटिफाइंग, प्रोमोटिंग एट्रेक्टिवनेस और अल्टरिंग द अपीयरेंस, ठीक है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार कॉस्मेटिक्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं रबिंग के लिए, ठीक है, रब करने के लिए किसी चीज़ पर, मलने के लिए, ठीक है, जैसे कि स्किन वगैरह पर मली जाती हैं, पोर करने के लिए, डालने के लिए, जैसे तेल जो है, ऑयल जो है डाला जाता है बालों में, स्प्रिंकल करने के लिए कोई चीज़ छिड़कने के लिए, स्प्रे करने के लिए, जैसे कि इसमें परफ्यूम्स वगैरह आ जाते हैं, इंट्रोड्यूस इनटू और अदरवाइज अप्लाई टू द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं बॉडी में या जो है अप्लाई किए जाते हैं ह्यूमन बॉडी पर, और एनी पार्ट या कोई ऐसा पार्ट देयर फोर जो कि क्लीनिंग के लिए, ब्यूटीफाइंग के लिए, क्लीनिंग यानी कि साफ़ सुथरा, जैसे कि साबुन वगैरह होते हैं वो चेहरे को साफ करने के लिए, चेहरे को धोने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ब्यूटीफाइंग मेकअप्स वगैरह इसमें आ जाते हैं, प्रोमोटिंग एक्टिवनेस, ठीक है, यानी कि अपनी तरफ जो है खिंचाव जो है पैदा करना, एक्टिवनेस को प्रोमोट करना, और अल्टरिंग द अपीयरेंस या जो है अपीयरेंस जो है जो दिखावट है उसको क्या करना, बदलना, ठीक है, उसको बदलना। तो ये किस में आ जाती हैं, कॉस्मेटिक्स में आ जाती हैं, ओके। द हर्बल कॉस्मेटिक्स आर द प्रिपरेशंस कंटेनिंग फाइटोकेमिकल्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बोटेनिकल सोर्सेज, जो हर्बल कॉस्मेटिक्स हैं वो ऐसी प्रिपरेशंस हैं जो कि कंटेन करती हैं फाइटोकेमिकल्स, यानी कि ऐसे केमिकल्स जो कि हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बोटेनिकल सोर्सेज, एक वैरायटी से बोटेनिकल सोर्सेज से हमें फाइटोकेमिकल्स ऑब्टेन होते हैं, विच इन्फ्लुएंसेस द फंक्शंस ऑफ स्किन एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर हेल्थी स्किन और हेयर, जो कि जो है क्या कर देती हैं, कंट्रोल करती हैं या चेंज करती हैं किसको, चेंज करती हैं या कंट्रोल करती हैं फंक्शंस को हमारी स्किन के, और कंट्रोल करती हैं एंड प्रोवाइड, और प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स जो कि नेसेसरी हैं, ज़रूरी है हमारी हेल्थी स्किन के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य जो है त्वचा के लिए और बालों के लिए, ठीक है, जो नेसेसरी हैं वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। दे आर फॉर्मुलेटेड यूजिंग डिफरेंट कॉस्मेटिक इन्ग्रीडियंट्स टू फॉर्म द बेस इन विच वन और मोर हर्बल इन्ग्रीडियंट्स आर यूज टू क्योर वेरियस स्किन एलिमेंट्स, ठीक है, ये फॉर्मुलेटेड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं यूजिंग डिफरेंट कॉस्मेटिक इन्ग्रीडियंट्स, बहुत सारे अलग अलग जो है कॉस्मेटिक इन्ग्रीडियंट्स का को यूज़ कर टू फॉर्म द बेस, ठीक है, बेस बनाने के लिए, इन विच जिसमें एक से ज़्यादा हर्बल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया जाता है टू क्योर करने के लिए, इलाज के लिए किसके, वेरियस स्किन एलिमेंट्स, जो त्वचा से जुड़ी, जो स्किन से जुड़ी जो रोग हैं, जो बीमारियां हैं उनकी ट्रीटमेंट में, ठीक है, उनके क्योर के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इनको फॉर्मुलेटेड किया जाता है, बनाया जाता है। द नेम इटसेल्फ सजेस्टेड दैट द हर्बल कॉस्मेटिक्स आर नेचुरल एंड फ्री फ्रॉम ऑल सिंथेटिक हार्मफुल केमिकल्स दैट विच अदरवाइज मे प्रूव टू बी टॉक्सिक टू स्किन, ठीक है, जो वर्ड है, जो नेम है इटसेल्फ, यानी कि जो कॉस्मेटिक जो वर्ड है, ये खुद ही जो है सजेस्ट करता है कि हर्बल कॉस्मेटिक्स जो है नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं एंड फ्री फ्रॉम ऑल सिंथेटिक हार्मफुल केमिकल्स, और किसी भी तरह के इसमें सिंथेटिक हार्मफुल नुकसानदेह केमिकल्स प्रेजेंट नहीं होते, इससे क्या होती है, फ्री होती हैं, दैट विच अदरवाइज मे प्रूव टू बी टॉक्सिक टू द स्किन, ठीक है, कौन कौन से केमिकल्स, वो केमिकल्स जो कि टॉक्सिक हो सकते हैं हमारी स्किन के लिए, त्वचा के लिए, जो कि क्या हो सकते हैं, नुकसानदेह हो सकते हैं। कंपेयर टू अदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स नेचुरल कॉस्मेटिक्स आर सेफ टू
यूज़, ठीक है। अगर हम और जो इसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनके मुकाबले में अगर हम देखें तो जो नेचुरल प्राकृतिक कॉस्मेटिक्स हैं वो सेफ़ हैं यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो हमारी सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक है वो क्या है, एलोवेरा जेल। फर्स्ट ड्रग है हमारी इसमें एलोवेरा जेल। तो आपको हर ड्रग का सबसे पहले क्या पढ़ना है, सोर्स पढ़ना है, यानी कि हमें कहाँ से ऑप्टेन होता है। तो एलोवेरा जेल मेनली जो एलोवेरा होता है, घृतक्वाइर होता है, वहाँ से हमें ऑप्टेन होता है। एलोवेरा जेल इज़ ऑप्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ एलोए प्लांट्स, ठीक है। जो एलोवेरा जेल है वो ऑप्टेन होता है हमें एलोए प्लांट्स की पत्तियों से, लीव्स से, नेमली जैसे कि जो है कौन कौन सी हैं, एलोए पेरिये बेकर है, एलोए वेरिया लीन है, एलोए बारबाडेंसिस मिल है, एलोए फेरॉक्स मिलर है, ठीक है। ये क्या है, प्लांट्स हैं, ठीक है। तो इनके जो पत्तियां हैं, इनके जो लीव्स हैं, वहाँ से हमें एलोवेरा जेल ऑप्टेन होता है। बिलोंगिंग टू द फैमिली लिलियसी, और इसकी जो फैमिली है वो क्या है, लिलियसी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, एलोएज आर द थ्री आइसोमर्स ऑफ एलोइंस, ठीक है। एलोए क्या है, तीन आइसोमर्स हैं एलोइंस के, यानी कि एलोइंस के जो तीन आइसोमर्स हैं उनसे मिलकर एलोए बनता है, ठीक है। तीन जो मेन इंपॉर्टेंट आइसोमर्स हैं एलोइंस के वो कौन कौन से हैं, बारबोलाइन, बीटा बारबोलाइन एंड आइसो बारबोलाइन। ये क्या है, तीन जो है इंपॉर्टेंट आइसोमर्स हैं एलोइस के। अदर्स आर एमॉर्फस एलोइन, एलोए इमोडिन, इमोडिन, रेजिन, विटामिन ई एंड विटामिन ए, ग्लूकोज एंड कैल्शियम। ये क्या है, ये अदर एमॉर्फस एलोइन है। कौन कौन से, एलोए इमोडिन आ जाता है इसमें, इमोडिन, रेजिन, विटामिन ई, विटामिन ए, ग्लूकोज एंड कैल्शियम। ये क्या है, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अदर एमॉर्फस एलोइन है किसके, एलोवेरा जेल के। कमर्शियल प्रिपरेशन, यानी कि मार्केट में कौन कौन सी जो है प्रिपरेशन हैं, किन नामों से हमें मिल सकते हैं, एलोवेरा जेल, डाबर वर्टिका, एनरिच ऑलिव हेयर ऑयल, ठीक है, एविकेयर, नाइल नेचुरल ग्रीन क्रीन एंड शाइन शैम्पू, ठीक है। तो इनसे जो है ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इन नामों से आपको ये मिल सकता है। थेरेपेटिक यूजेस, इसके बॉडी पर जाकर क्या इफेक्ट होगा, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कॉस्मेटिक यूजेस, ठीक है, कि इसके कॉस्मेटिक यूज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम थेरेपेटिक यूज़, के बॉडी पर जाकर ये क्या इफेक्ट देता है। एलोवेरा जेल स्लो डाउन अल्सरेशन एंड केटोसिस, ठीक है। जो एलोवेरा जेल है वो क्या करता है, शुरू करता है किसको, अल्सरेशन को, अल्सरेशन यानी कि छालों का होना, एंड किटोसिस। किटोसिस आप समझते हैं एक ऐसी मेटाबॉलिक स्टेट है जिसमें बॉडी जो है बर्न करती है फैट को एनर्जी के लिए ग्लूकोज की जगह पर, ठीक है। ग्लूकोज को उसको जो है यूज़ करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए एनर्जी के लिए, लेकिन ग्लूकोज के बजाय वो क्या करती है कि फैट का यूटिलाइजेशन करती है, फैट को बर्न करती है किसके लिए, एनर्जी प्रोवाइड के लिए, ठीक है, एनर्जी के लिए। तो इसके जो है क्या करते हैं, स्लो डाउन करता है एलोवेरा जेल। यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेन्स एंड इचिंग, ठीक है, दर्द में और खुजली में इसका यूज़ किया जाता है एलोवेरा जेल का। पर्जेटिव के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, लेक्सेटिव के तौर पर, एंथेलमिंटिक के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। दे आर यूज एज एंटीसेप्टिक के तौर पर, एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर, कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज में होती है, कार्मिनेटिव के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। दे आर यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन एंड बर्न्स, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में और बर्न्स में, कहीं पर कोई हाथ जल गया, उंगली जल गई, ठीक है, जले हुए जो घाव हैं उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। हीलिंग ड्राई स्किन एंड स्किन डैमेज, ठीक है, ड्राई स्किन सूखी त्वचा में या स्किन डैमेज में जो है इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसकी हीलिंग में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे इसमें है कॉस्मेटिक यूजेस, के कॉस्मेटिक यूजेस के क्या क्या हैं। एलोए जेल मेंटेन्स द नेचुरल टोन एंड फ्लॉपीनेस ऑफ दी स्किन, एलोए जेल जो है ये मेंटेन रखता है नेचुरल टोन को, ठीक है, नेचुरल टोन यानी कि जो प्राकृतिक रूप है, और जो फ्लॉपीनेस है, फ्लॉपीनेस आप समझ सकते हैं यानी कि जो नर्मपन है स्किन का, ठीक है, उसको क्या करता है, मेंटेन रखता है। दस इट कैन बी यूज एज नेचुरल एंटी एजिंग कॉस्मेटिक, तो इसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं नेचुरल प्राकृतिक एंटी एजिंग, यानी कि इंसान जो है बूढ़ा ना लगे, ठीक है, एंटी एजिंग कॉस्मेटिक के तौर पर इसका यूज़ किया जा सकता है। इट कैन इट इज़ बेस्ट सुटेबल मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली स्किन, ऑयली स्किन के लिए जो है बेस्ट जो है सुटेबल मॉइस्चराइजर है ये। इट इज़ इफेक्टिवली यूज इन सनबर्न, सनबर्न्स के ट्रीटमेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है। एंटी ऑक्सीडेंट्स कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन एलो जेल प्रोडक्ट प्रोटेक्ट द ह्यूमन स्किन फ्रॉम हाइपर पिगमेंटेशन एंड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डैमेज, ठीक है। जो एंटी ऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं एलोए जेल प्रोडक्ट में वो प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं ह्यूमन की स्किन को, ह्यूमन की त्वचा को, ठीक है, मानव त्वचा को, किससे, हाइपर पिगमेंटेशन से और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डैमेज से बचाते हैं। दे आर यूज एज एंटी रिंकल, एंटी रिंकल के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है यानी कि झुर्रियों से, झुर्रियों के ट्रीटमेंट में या सोने से बचने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जो चेहरे पर झुर्रियाँ हो जाती हैं उनके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। बिकॉज ऑफ हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी इट हैज़ सूथिंग एबिलिटी विच रिड्यूज इन्फ्लेमेशन ब्लिस्टरिंग एंड इचिंग प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, ठीक है। हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी होती है तो सूथिंग एबिलिटी भी जो है ये देता है, इसके पास सूथिंग एबिलिटी होती है। सूथिंग एबिलिटी आती है हम कह सकते हैं कि
आराम पहुंचाने वाली एबिलिटी, ठीक है, जो कि रिड्यूस करती है इन्फ्लेमेशन को, सूजन को जो है कम करती है, ब्लिस्टरिंग, ठीक है, ब्लिस्टरिंग जो छाले वगैरह हो जाते हैं उसको क्या करती है, ये रिड्यूस करती है, इचिंग, खुजली वगैरह जो होती है जो कि प्रोड्यूस होती है बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से, ठीक है, स्किन पर, तो उसमें उसके ट्रीटमेंट में या उसको कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये था हमारा एलोवेरा जेल। नेक्स्ट जो हमारे इसमें ड्रग है, जो टॉपिक है, वो है क्या है, एलमंड ऑयल, ठीक है, बादाम का तेल। इसका जो सोर्स है क्या है, कहाँ से हमें ऑप्टेन होता है, इट इज़ अ फिक्स्ड ऑयल ऑप्टेन बाय एक्सप्रेशन ऑफ सीड्स ऑफ प्रूनस अमाइगडेलस अमाइगडेलस कम्युनिस और प्रूनस अमाइगडेलस वर अमारा बिटर एलमंड और मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है, यानी कि ये जो है क्या है, फिक्स्ड ऑयल होता है जो कि ऑप्टेन होता है हमें किन के बीजों से, ये जो यहाँ पर ये प्लांट्स के जो है नेम लिखे हुए हैं, प्रूनस अमाइगडेलस और या प्रूनस अमाइगडेलस वर अमारा, ठीक है, या दोनों के सीड से, जो दोनों के सीड्स हैं उनके एक्सप्रेशन से, सीड को जब हम एक्सप्रेस करते हैं एक्सप्रेशन से हमें ये ऑप्टेन होता है, ठीक है, दोनों के मिक्सचर से हमें ऑप्टेन होता है। बिलोंगिंग टू द फैमिली रोजिएसी, रोजिएसिस की फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट हैं, एलमंड ऑयल कंटेन्स फिक्स्ड ऑयल, प्रोटीन्स, मिनरल्स, म्यूक्लियस एंड विटामिन ई। क्या क्या कंटेन करता है, जो बादाम का तेल है एलमंड ऑयल वो कंटेन्स करता है फिक्स्ड ऑयल, प्रोटीन्स कंटेन करता है, मिनरल्स, म्यूक्लियस, विटामिन ए कंटेन करता है। द फिक्स्ड ऑयल कंटेन्स लाइनोलिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ठीक है, और जो फिक्स्ड ऑयल है वो कंटेन्स करते हैं लाइनोलिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड एक्सेट्रा। कमर्शियल प्रिपरेशन कौन कौन से प्रिपरेशन हैं, किन नामों से जो है हमें बाजार में मार्केट में मिल सकता है, तो एलमंड ऑयल, सेक बादाम, रोगन एंड हिमकॉलिन एंड मेंटेट, ठीक है, ये क्या है, इसकी कमर्शियल प्रिपरेशन हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें आते हैं थेरेप्यूटिक यूजेस, ठीक है, कि बॉडी पर जाकर इनका क्या इफेक्ट होगा। स्वीट ऑयल ऑफ एलमंड इज न्यूट्रिटिव एंड माइल्ड लैक्सेटिव, ठीक है, जो स्वीट ऑयल है एलमंड का, बादाम का, वो न्यूट्रिटिव है, ठीक है, न्यूट्रिशन के तौर पर यूज़ किया जाता है और माइल्ड लैक्सेटिव है और हल्का क्या है, लैक्सेटिव भी, इसमें थोड़ी थोड़ी लैक्सेटिव प्रॉपर्टी भी होती है। लैक्सेटिव आप समझते हैं, यानी कि कब्ज़ के ट्रीटमेंट में, कॉन्स्टिपेशन के इलाज के लिए, उससे होने से बचने के जो यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम लैक्सेटिव बोलते हैं, तो माइल्ड लैक्सेटिव भी ये होते हैं। फार्मास्यूटिकली इट इज़ यूज्ड एज व्हीकल फॉर ऑयली इंजेक्शन एंड वॉलेटाइल ऑयल ऑफ एलमंड इज़ यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, ये जो है फार्मास्यूटिकली यूज़ किया जाता है व्हीकल के तौर पर, ठीक है, किसके तौर पर, व्हीकल के तौर पर ऑयली इंजेक्शन में, ठीक है, ऑयली इंजेक्शन के लिए व्हीकल के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, एंड वॉलेटाइल ऑयल ऑफ एलमंड, और जो वॉलेटाइल ऑयल है एलमंड का, बादाम का, वो यूज़ होता है फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर। एलमंड ऑयल इज़ यूज एज ए एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पर्जेटिव एंड एज ब्रेन टॉनिक, ठीक है, ब्रेन टॉनिक के तौर पर, एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पर, एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर, पर्जेटिव के तौर पर एलमंड ऑयल का, बादाम के तेल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे इसमें कॉस्मेटिक यूजेस, इट इज़ यूज कमर्शियली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल ड्यू टू बेंजाल्डिहाइड एज फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, ये कमर्शियली जो है यूज़ किया जाता है किसकी प्रिपरेशन में, सोप की प्रिपरेशन में, साबुन बनाने के लिए, शैम्पू बनाने के लिए, हेयर ऑयल बनाने के लिए, ठीक है, इनकी प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है ड्यू टू बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड की वजह से, ठीक है, एज फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी इसका यूज़ किया जाता है, इसका एलमंड ऑयल का। इम्प्रूव कम्प्लेक्शन एंड स्किन टोन, क्या करती है ये, कम्प्लेक्शन यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कलर होता है, टेक्सचर होता है और अपीयरेंस होती है स्किन की, ठीक है, उसको क्या करती है, इम्प्रूव करती है, बेहतर करती है, और जो स्किन टोन है, ठीक है, जो त्वचा की, जो त्वचा का जो रूप है, ठीक है, नेचुरल टोन है, उसको क्या करती है, इम्प्रूव करती है। रिड्यूसेस पफिनेस एंड अंडर आई सर्किल्स, ठीक है, पफिनेस यानी कि थोड़ी जो सूजन हो जाती है चेहरे पर, उसको क्या करती है, कम करती है। अंडर आई सर्कल्स और आंखों के चारों तरफ जो है सर्कल्स, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, उनके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, उसको क्या करती है, ये कम करती हैं, क्या कम करते हैं, एलमंड ऑयल, ठीक है। इम्प्रूव्स एक्नी एंड रिड्यूसेस द अपीयरेंस ऑफ स्कार्स एंड स्ट्रेच मार्क्स, ठीक है, क्या करते हैं ये, एक्नी यानी कि मुहासे और जो है जो स्कार्स होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं निशान या जो खिंचाव के निशान होते हैं, स्ट्रेच मार्क्स, जो खिंचाव के निशान होते हैं, उसको ठीक करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए एलमंड ऑयल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट था जिसमें हमने आपका जो एलमंड ऑयल था और जो आपका एलोवेरा जेल था इसको हमने कवरअप कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपका लेवेंडर ऑयल है एंड इसके साथ साथ में जो आपका सेकंड टॉपिक है ओलिव ऑयल, ठीक है, इसको हम कवरअप करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।